अगर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया श्रीलंका को हरा देती है, जिसके पूरे 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 चांसेस हैं, सो टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 में वो पहली टीम हो जाएगी जो ऑफिशियली सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। हम पहुंचे हुए 99.9% हमारा दिखाता है ग्राफ, लेकिन ये ग्राफ 100% हो जाएगा जैसे ही इंडिया सेमीज में पहुंच जाएगी। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि पिछली बार हम नंबर 2 हुए थे टाइम जो हमारी रैंकिंग आती है उसमें टेबल पॉइंट पे, उसमें तब आए थे जब साउथ अफ्रीका ने मैच जीता था, लेकिन अगले दिन हमने साउथ अफ्रीका को पटक दिया था। और इस बार भी हम नंबर 2 चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल पे। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन इंडिया श्रीलंका को हराएगी तो वो एक बार फिर से नंबर 1 पायदान पर काबिज हो जाएगी। और उसके बाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वो मैच जिसको लेकर मेरी फिंगर क्रॉस है, और मुझे स्पेशली देखना है कि क्या इंडिया साउथ अफ्रीका को बॉलिंग फर्स्ट करते हुए हरा सकती है, क्योंकि अगर वो मैच हम हरा ले जाते हैं तो फिर हम इस वर्ल्ड कप को जीते हुए हमें कोई टीम नहीं हरा सकती है, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अब वहां पर देखने वाली बात है। हालांकि 2011 में इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था तब हम साउथ अफ्रीका से हारे थे, लेकिन फिलहाल कहानी श्रीलंका की, जिसे वर्ल्ड कप में आए दिन हम पटकते रहते हैं और हमें जीतने की उनसे आदत है। खासतौर पर ODIs में हम उनसे बेहतर टीम रखते हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड जो हमने आपको बताया ये इधर के कुछ सालों का है। वैसे तो श्रीलंका एक वर्ल्ड कप में बेहतर टीम है, टोटल हमारे उनके 9 मुकाबले हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1996 वर्ल्ड कप में हम अच्छी टीम थे, हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हमें इसी श्रीलंका ने हराया था, तब जब हमारे 2-3 विकेट गिर गए थे। और यही वो मैच था 1996 का जिसे लेकर मैच फिक्सिंग के बहुत सारे आरोप विनोद कांबली ने लगाए थे, गॉड नोज द ट्रूथ, बट जो है सो है। हालांकि हमने बदला लिया उनसे 2011 वर्ल्ड कप में, हमने उन्हें हराया था और उनको हरा कर ही हम वर्ल्ड कप जीते थे। हालांकि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2014 में श्रीलंका ने हमें हरा कर फाइनल में बदला लिया था, लेकिन ठीक है, आज श्रीलंका को पटकने का दिन है। हाल फिलहाल में एशिया कप आपको याद होगा, एशिया कप में इंडिया ने श्रीलंका को 50 रनों पर पीट दिया था और सिराज की वो गेंदबाजी जो है मैं भूला नहीं था। श्रीलंका को इंडिया ने 317 रनों से हराया, 317। आई थिंक वनडे के इतिहास के मामले में वो सबसे बड़ी हार थी। मोहम्मद सिराज की एनर्जी, मोहम्मद सिराज का पागलपन उस दिन नेक्स्ट लेवल पे था। अब तो समी, सिराज और बुमराह तीनों हैं। लेट्स जस्ट होप कि सिराज यहां से फॉर्म में आ जाएं, क्योंकि द मोमेंट मोहम्मद सिराज इज बैक इन फॉर्म मुझे लगता है कि टीम इंडिया एक लीथल बॉलिंग अटैक हो जाएगा। अभी सिराज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी में कमजोर कड़ी है। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका के सामने वो अपने पूरे जोश में आएंगे और वापस जिताएंगे। हालांकि ओवरऑल बात करेंगे तो श्रीलंका काफी कमजोर रही है मैचेस में। 167 मैचेस में 98 मैचेस हैं जो इंडिया ने जीते हैं, तो आई थिंक फासला बहुत बड़ा है। श्रीलंका ने जिस 57 मैचेस जीते हैं इंडिया के सामने, सो हम काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम है उनके कंपैरिजन में। ऑल्सो मुंबई में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑलमोस्ट सारे मैचेस जो हमने खेले हैं वहां पर हम जीते हैं और लगातार हम जीतते आ रहे हैं, वहां पर हमारा रिकॉर्ड अच्छा है। मुंबई इंडियंस रोहित खेलते हैं तो रोहित उस पिच को भी समझते हैं, सूर्या बुमराह ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो इस पिच पर अच्छी पकड़ समझ रखते हैं। और ऑल्सो वर्ल्ड कप में हम 6 के 6 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, सो यहां भी टीम इंडिया जो है वो काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। श्रीलंका ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, उसे अभी अफगानिस्तान ने भी हराया है, सो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ होगा। इस मैच में कहा जा रहा है कुशल परेरा की वापसी हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है श्रीलंका, मतलब ठीक है अपने दिन वो अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया के सामने मुझे लगता है कि इंडिया एक ज्यादा बेहतर टीम है और इंडिया उनको परेशान करेगी बहुत बुरी तरीके से। अब देखना बस ये है कि रोहित शर्मा परेशान करेंगे, विराट कोहली परेशान करेंगे या शुभमन गिल परेशान करेंगे, कोई और परेशान करेगा। हालांकि रोहित से सवाल पूछा गया कि भैया आपकी बड़ी तारीफ हो रही, क्या बदल दिया, तो उन्होंने कहा यार कुछ नहीं यार, मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा हूं, मेरे को टेम्पो सेट करना है, एक डिफरेंस दिखाना है, सो एज अ बैट्समैन आई एम जस्ट ट्राइंग की जरूरत क्या है, अगर टीम विकेट गिरते तो मैं ठहरता हूं, वरना मैंने सोचा कि मारूंगा, रगड़ रगड़ के मारूंगा, धोऊंगा नहलाऊंगा और तबाही। अब बात कर लेते हैं टीम को लेकर, प्लेइंग 11 मुझे लगता है कि चेंज नहीं होने वाला इंडिया का, क्योंकि हार्दिक पांड्या के आने की चांसेस कम है। नीदरलैंड मैच से उनकी वापसी हो सकती है 12 नवंबर के आसपास, तो आई थिंक यहां पर काफी उन्हें गैप मिला है। लेकिन रोहित शर्मा उतरेंगे बल्लेबाजी करने शुभमन के साथ, 3 नंबर पर विराट, 4 पर मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर को ना खिलाया जाए, राहुल खेले, लेकिन मुंबई में है, पिच इजी है, शायद उन्हें खिला लिया जाए। श्रेयस अय्यर मुझे सिर्फ इस बात को लेकर उनसे
एलर्जी हो रही है कि वो टफ कंडीशंस में साथ छोड़ देते हैं, और साथ ही वो चाहिए जो मुश्किल हालात में हो। पाटा पिचेस पर अच्छे जब बैटिंग हो रही है वहां तो हर कोई बना लेता है, टफ कंडीशंस में वो साथ दे तो बेहतर होगा, जैसे राहुल करते हैं। उसके बाद राहुल, देन सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप, शमी, सिराज, बुमराह। अश्विन के लिए मुझे लगता नहीं मुंबई में जगह बनेगी, बनी तो कौन जाएगा, कोई नहीं बाहर हो सकता। सिराज को बाहर नहीं करना चाहेंगे, श्रीलंका का मैच है। बाकी श्रीलंका की टीम वही रहेगी, निसंका, परेरा, मेंडेस, समर विक्रमा, और थोड़ा सा आप ध्यान देना होगा पिछले मैच में परेरा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। एंजेलो मैथ्यूज हैं, डिसिल्वा हैं, विल्ला लागे, तीक्ष्णा, मधुशंका, रजता जो भी खेलेंगे उनके साथ तो पता नहीं, उनकी टीम फिलहाल काफी डिस्टर्ब है। एंड आई थिंक इंडिया को एक अच्छी जीत लेनी चाहिए ताकि जब आप अफ्रीका के सामने जाएं तो इम्पैक्ट डाले। बाकी ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि उलटफेर वाला मामला यहाँ, बट आई थिंक इंडिया जीत जाएगी आसानी से। आपको लगता है इंडिया जीतेगी? मुझे लगता है जीत जाएंगे।